अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबा कर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जियो के प्लान के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलिए और अंत में इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जियो के एक नए प्लान के बारे में। वैसा प्लान तो ये नया नहीं है, लेकिन आपके पास अगर जियो का सिम कार्ड है तो अगले महीने जो IPL शुरू होने वाला है, 2021 का जो IPL का सीजन, ये 40 का सीजन शुरू होने वाला, इसके आप जितने भी मैच है इन प्लान के साथ फ्री का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये जो आपके सामने जो प्लान होंगे वो बहुत सारे ऐसे ढेर सारे प्लान होंगे, बहुत सारे जितने भी उनके साइट पे अवेलेबल है, जो कि आपके साथ IPL का मज़ा लेने वाले हैं या फिर आपको इसमें देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको IPL के मैच देखने होंगे तो हॉटस्टार यानी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चाहिए, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप उसी प्लान के साथ उसी पैसे के साथ प्लस में आपको यहाँ पे डेटा भी मिलेगा और उसका जियो प्लस जियो के साथ आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे आपको सब्सक्रिप्शन के देने नहीं पड़ेंगे, यानी आप फ्री में उसका मज़ा ले सकते हैं। अभी से आप एक महीना बाकी है, लगभग एक महीना बाकी है, अगले महीने से 9 तारीख को ये मैच शुरू होने वाला है और ये ख़त्म होने वाला है 30 मई को, यानी उनका जो अंतिम सामना जो होगा वो 30 मई को होगा, फाइनल मैच 30 मई को होगा। अगर आपका इस महीने में रिचार्ज यहाँ पे ख़त्म होने वाला है जियो का, तो ज़रूर से ज़रूर इन प्लान को ध्यान में रख के रिचार्ज करवाइए, क्योंकि अगले हो सकता है कि जब आप करवाएंगे तब आप ऐसा हो सकता है कि आपका रिचार्ज होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि IPL शुरू होने वाला है या फिर अगले महीने IPL शुरू होने वाला है तो हमने ये रिचार्ज क्यों नहीं करवाया। तो चलिए देख लेते हैं ये प्लान कौन से है। तो आप सबने पूरी तरीके से ये प्लान यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे निकाल के आपके सामने पेश किया है। सबसे पहले ये प्लान तो आपको मालूम ही होगा कि ये 401 रुपये का प्लान है, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए लगभग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, 3 GB डेटा दिया जा रहा है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो 28 दिनों का होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको रिचार्ज करवाने का ही है तो लगभग आप 60 दिनों के दिमाग में रख के कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्लान आपके सामने ये दो मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। कम से कम तो ये प्लान आपको सामने करना ही पड़ेगा, सबसे अच्छा मेरे ख्याल से लगा, क्योंकि 2 महीने तो IPL चलना ही चलने वाला है, लगभग 2 महीने चलने वाला है। तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं और आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा, तो आप बहुत सारे ऐसा बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। इसमें आपको 1.2 GB डाटा मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पे 2 GB डाटा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कौन सा आपको करवाने का है तो आप सोच समझ के करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे रिचार्ज करवाने का ज़रूरत नहीं है, तो एक सिर्फ आपको हॉस्टल लेने का है तो आप ये प्लान के साथ भी जा सकते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से मिलेगा। और अगर 1 साल के लिए या 3 महीने से आगे के लिए करना चाहते तो ये भी रिचार्ज आपके सामने है, लगभग 777 रुपये वाला, इसमें 84 दिनों की और यहाँ पे 1.5 GB रेट आपको मिलेगा। साथ ही आपको अगर 1 साल का करवाते हैं तो लगभग आपका 365 दिन की वैधता मिलेगी, इसमें 2 GB डेटा मिलेगा और लगभग यहाँ पे 2599 रुपये आपको यहाँ पे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे सुपर वैल्यू पैक जो जियो बोलता है वो यही प्लान है। तो ऐसा करके आप अपना अच्छे खासा इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार आप हर प्लान में आपको यहाँ पे दिखेगा कि हर प्लान में आपके यहाँ पे पूरे प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर यहाँ से अच्छी खासी हाईलाइट करके आपको बताया है, तो आप अलग अलग वीडियो को पॉज करके भी आप उसे करवाना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सबसे यानी बहुत ज़्यादा दिन रहते हुए आपको ये सूचना दी है, तो आप मेरे ख्याल से प्लान का थोड़े सा यहाँ पे सोच समझ कर रिचार्ज करवाएंगे, क्योंकि यानी जब यहाँ पे छुट्टियाँ यहाँ पे सीजन शुरू होने
पछताने का बात आपको हो सकता है कि फिर पछताना पड़े कि यार मैंने ये सिम क्यों, ये रिचार्ज क्यों नहीं करवाया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया ऑफर आपको देखने को मिल सकता है कि आप अपना जो भी रिचार्ज करवाना चाहते हैं वो जियो के IPL को ध्यान में रख के ही करवाए, तो जियो के साथ फ्री में IPL का मज़ा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।